वादा कर लेता हूं ना, मैंने कहा था कि आमागढ़ में झंडा फहराऊंगा, सरकार ने कहा परिंदा भी पैर नहीं रखेगा, 1200 की पुलिस तैनात कर दी, ड्रोन, कई एसपी, कई डीएसपी, अग्निबाण, और वो डालते ना वो आंसू गैस, लाठी, बंदूक सब धरी रह गई मेरे भाई। सरकार की चुनौती के बाद भी सनातन धर्म की रक्षा के लेकर मैं बरसती बरसात में कांटों में जहां लहूलुहान हो गए, जहां सांप थे, बघेरे थे, फिसलन थी, सबको पार करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए आमागढ़ पे झंडा 70 साल की उम्र में फहरा दिया। मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा जो आज तक किसी ने आपकी नहीं की। अरे भाई ये बात तो मानते हैं ना, मैंने वहां जब दबंगों ने बेटी की शादी नहीं होने दी तो मैंने कराई थी ना। अब भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं उनकी नजर में दुश्मन बना हुआ, अब वो नुकसान करेंगे तो उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? आप करोगे ना? ए भाई अच्छी तरह से एक वोट घर में नहीं रहना चाहिए, इस बात का दक्ष महाराज की कसम लेते जाओ। गुर्जर समाज के वहां एक डकैत आ गया, जोगियों के वहां 60-70 घर थे, और एक सुंदर सी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगा। तो स्वाभिमान तो सबका जागता, मेरे से बात की, मैंने इनसे कहा अगर डकैत का आप मौके पे ही काम तमाम कर दोगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं होने दूंगा, इस बात का मैंने इनसे वादा किया। आप जाके पूछ सकते हो बालाजी, उसका काम तमाम डकैत का वही कर दिया, बहन बेटी की इज्जत लुटे और उसको बर्दाश्त कर जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आपके कुमार समाज के भाइयों ने बड़ी हिम्मत करके कुख्यात डकैत को मौके पर ही मार दिया। बाद में कुछ लोगों ने उनको आतंकित करने की कोशिश की, घाटा मेहंदीपुर बालाजी में 150 परिवार को मैंने बसाया है, बिजली दी है, पानी की व्यवस्था की है, सामुदायिक भवन बनाया है, बीच बीच में उसको संभालता रहता हूं, इसलिए कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो आपके साथ अन्याय अत्याचार कर नहीं सकता, और करेगा तो उसकी मदद डॉक्टर चोरलाल आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं मान के चलूं भाजपा, जिंदाबाद।